टायर्ड फील कर रही थी। हेलो गाइस, मैं और खुशी जस्ट वीडियो चाहिए और मैं उसको पकोड़े खिला रहा था। बड़े ये भी आते हैं, ये बड़े खाते हैं पकोड़े। ये कैसे खाने बड़े होते हैं दाल वाले जो बारिश के मौसम में खाते हैं। हेलो गाइस, मैं सर हो लेती हूँ क्योंकि बाहर सब बैठे हैं ससुराल है। ओए मत कर मत कर, जलाऊं दे थोड़ा, ये हिम्मत तो करन दिलाई मैं। हेलो गाइस, कैसे आप सब? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का व्लॉग जो है वो आपको एंड तक देखना पड़ेगा क्योंकि आज के व्लॉग का कोई कंटेंट ही नहीं है और आपको बहुत ही मज़ा आएगा क्योंकि ये व्लॉग जो है वो रैंडम है एकदम। मैंने सोचा भी नहीं था कि आज मैं व्लॉग बनाऊं क्योंकि आज मैं बहुत ही सुबह से टायर्ड फील कर रही थी क्योंकि कल रात को मैंने बहुत ही साइकिल चलाई, बहुत चलाई इसको है ना। मैंने जबरदस्ती बिठाया, मैंने कहा उतर जा भाई, रात को बोली मेरे पेट दुख रहे, मेरे ये दुख रहे, वैसे ही हुआ था। मतलब क्योंकि मैंने बहुत दिनों बाद चलाई थी तो मुझे बहुत शौक आया साइकिल चलाने का। और फिर हम यहाँ पे रात को बैडमिंटन भी खेलते सब जने, तो आपको मैं फैमिली टूर भी कराऊंगी तब आपको पता चलेगा कि हम लोग रात को क्या करते हैं, क्या हरकत है, वो आज ही पता चल जाएगा। ब्लॉग को एंड तक देखना बस, और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और घंटी बजा देना ताकि जब भी मैं ऑनलाइन आऊँ आपके फ़ोन की भी घंटी बजे। सो जैसे कि मैंने आपको बोला है कि रैंडम ब्लॉग है तो मैं यहाँ से जा रही हूँ नीचे, मेरा रूम है ऊपर और एकदम मेरे को तो जाने दो। आप जाओ, चलो। मैं हूँ ऊपर और जो आज दिन में मैं जब सो रही थी तो मुझे सरप्राइज़ मिला था क्योंकि आज हमारे घर पे गेस्ट आए हैं, तो मैं आपको उनसे भी मिलाऊंगी कि कौन कौन आया है और सब नीचे क्या कर रहे हैं, वो सब रैंडम आपको पता चलेगा उनकी हरकतें। चलो लेट्स गो, यहाँ से मैं जा रही हूँ नीचे। हाय 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 मम्मी जी, क्या कर रहे हो? मम्मी जी जो है वो काजू को कूट रहे हैं क्योंकि पूरन पोली में डालने के लिए। आपको पता है पूरन पोली क्या होती है? ये होती है चने की दाल की और मीठी पूड़ी, वो रे मसाला मीठी पूड़ी जो होती है। हाँ मसाला बताए, ये होती है पूरन पोली जो बनती है चने की दाल की और मसाला पराठा, आलू का पराठा। और यहाँ पे भाभी जी आलू का मसाला बना रहे हैं। ये है मेरे जेठानी, मैं भाभी जी बोलती हूँ, जेठानी वाली फील नहीं आती मुझे क्योंकि। और ये बना रहे आलू का मसाला क्योंकि बनाएंगे शाम को आलू के पराठे और मीठी पूड़ियाँ। और क्या बनाएंगे? सैंडविच, क्योंकि आज हमारे घर पे आए हैं मामी जी और इनके साथ में इनके चिल्लर पार्टी, तो हमें बहुत अच्छा फील हुआ क्योंकि इन्होंने हमें दिया था सरप्राइज और सरप्राइज आपको दिखेगा आगे, मैं वीडियो डाल दूंगी सरप्राइज वाला। चलो आगे और क्या हो रहा है वो देखते हैं। मैं सर ओढ़ लेती हूँ क्योंकि बाहर सब बैठे हैं ससुराल है क्योंकि। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? हाय हाय मन्नत, हाय हाय बोल दे। ये है शुभम जी जो कि इनके मामा जी के लड़के लगते हैं और ये आए थे आज सरप्राइज दिया इन्होंने हमें। हाय हाय अभिजी, हाय कान्हा जी। और वो वहाँ पे मेरे देवर जी जो है वो क्या कर रहे हैं दिखाती हूँ मैं आपको। मेरे देवर जी जो है वो कूलर साफ़ कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, रिपेयर कर रहे हैं कूलर को, रिपेयर कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे जुगाड़ू आदमी है हमारे घर। और यहाँ पे जो है ये मेरे हस्बैंड साइकिल लेके आए हैं जो मैंने कल चलाई थी। हाय, कहाँ पे साइकिल पे? पीछे सीट भी नहीं है, कहाँ बैठाओगे? बच्चा समझते हो क्या मुझे? इसलिए तो मैं पे आई हूँ, मैं वीडियो बना रही हूँ। क्या हो रहा है बुलबुल जी? राइस खा लो, अटक रहा है, मन खानी है राइस। ओ वाह, क्या बात है। सो हम सब जा रहे हैं मंदिर माता जी की, माता जी की। Yeah.
ऊपर रख दीजिए मामा जी। हमारे गांव का फेमस है माता जी का मंदिर, कालका माता जी का मंदिर है ये, और ये यहाँ पे इतना ऊपर है, काफी सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ता है, और आवाज़ नहीं आ रही क्योंकि घंटी बज रही है। यहाँ से इसके एंट्रेंस है, और ये जो मंदिर है ये छोटा वाला मंदिर था जो बाहर है। के चक्कर में कभी जाके चले गए हैं। तो ये हम पहुंच गए माता जी के मंदिर में एंट्रेंस पे। गाड़ी में ले। और फिर मंदिर से आने के बाद हमने बनाया था खाना, और मेरा दुख रहा था पैर, और मैं बैठे बैठे इस तरीके से आटा लगा रही थी। ए, मत कर जलाऊं दे थोड़ा, इन हिम्मत तो करन दे लाई में। और यहाँ पे मेरे देवर विवेक जी स्केटिंग चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये हमारे घर के पीछे इतना बड़ा स्पेस है जहाँ पे हम रोज़ रात को बैडमिंटन वगैरह गेम्स वगैरह खेलते हैं। तो ये अभी चल रहा है हमारा बैडमिंटन, मैं और मेरे हस्बैंड खेल रहे हैं, और ये बीच में साइकिल लेकर मेरे देवर घूम रहे हैं। और यहाँ पे चल रहा है वो आँख पे पट्टी बांध के जो गेम खेलते हैं वो सब, और हम सब साथ में खेल रहे हैं। तो सरप्राइज ही था कि आज मुझे दिन में टायर्ड फील हो रहा था, और हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि हमारे घर पे गेस्ट आने वाले हैं। तो मैं जाके सो गई थी, और आराम से नींद में अचानक से जो आज हमारे घर पे मामी जी और आए हैं, मतलब उनके बच्चे, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, और वो अचानक से उन्होंने मुझे उठाया और मैं एकदम नींद से उठी और सामने वो ही थे। तो एकदम मेरे को सरप्राइज फील हुआ कि मतलब ऐसे आइडिया नहीं होता है, तो कोई अचानक से आ जाता है तो मतलब दूर रहता है वो, डीसा गुजरात में रहता है, तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, तो फिर ये सरप्राइज था। सो इसी तरह गुजरा था आज का पूरा दिन, और रात के बज गए 12:30, और इनको अभी भूख लगी वापस, तो ये लेकर आए खाना। और आप मेरी हालत देख सकते हैं कि क्या हालत हो गई है मेरी, मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई हूँ। और कैसा लगा वीडियो ये कमेंट में ज़रूर बताना, और इसी तरह के आपको अलग अलग तरीके के ब्लॉग्स और भी मिलने वाले हैं बहुत ही जल्दी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अपना साथ बनाए रखना, और प्लीज़ 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 लाइक शेयर और कमेंट कर देना, सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।